अर्ज किया है कि चाय के साथ पानी जहां ना मिले ऐसी होटल पे जाने से क्या फायदा। चाय के साथ पानी जहां ना मिले ऐसी होटल पे जाने से क्या फायदा। शायरी की जिन्हें कदर कीमत ना हो शेर उनको सुनाने से क्या फायदा। चाय के साथ पानी जहां ना मिले ऐसी होटल पे जाने से क्या फायदा। शायरी की जिन्हें कदर कीमत ना हो शेर उनको सुनाने से क्या फायदा। मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई। मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई। ये थी एक नोट फटी हुई जो के इत्तेफाक से चल गई। मेरी शायरी हुई पुरकशिश जो तेरे ख्याल में ढल गई। ये थी एक नोट फटी हुई जो के इत्तेफाक से चल गई। अरब किया है कि इसे इस्तेमाल भी कर सनम तेरे हाथ में जो रुमाल है। इसे इस्तेमाल भी कर सनम तेरे हाथ में जो रुमाल है। तुझे आज सर्दी जुकाम है तेरी नाक इसलिए लाल है। इसे इस्तेमाल भी कर सनम बहुत बहुत शुक्रिया। इसे इस्तेमाल भी कर सनम तेरे हाथ में जो रुमाल है। तुझे आज सर्दी जुकाम है तेरी नाक इसलिए लाल है। मेरी शायरी तेरे दम से है मैं रदीफ हूँ तुम्हें काफिया। मेरी शायरी तेरे दम से है मैं रदीफ हूँ तुम्हें काफिया। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू मेरी खुबह तेरा ख्याल है। बड़ी चिकनी तेरी ये फर्श थी। बड़ी चिकनी तेरी ये फर्श थी मेरा पैर जिस पे फिसल गया। बड़ी चिकनी तेरी ये फर्श थी मेरा पैर जिस पे फिसल गया। तू मुझे पकड़ के संभल गई मैं तुझे पकड़ के। बड़ी चिकनी तेरी ये फर्श थी मेरा पैर जिस पे फिसल गया। तू मुझे पकड़ के संभल गई मैं तुझे पकड़ के संभल गया। मेरा काफिया बड़ा तंग है और अपंग मेरी रदीफ है। मेरा काफिया बड़ा तंग है और अपंग मेरी रदीफ है। जो ख्याल शेर था यक पे वो दिमाग से ही निकल गया। अर्थ किया है कि हाथ में भी दम नहीं और पांव में भी दम नहीं। हाथ में भी दम नहीं और पांव में भी दम नहीं फिर भी यारो सागर है खस्ता किसी से कम नहीं। हाथ में भी दम नहीं और पांव में भी दम नहीं फिर भी यारो सागर है खस्ता किसी से कम नहीं। अर्ज किया है कि हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए। हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें अगर चाहिए ऊंचा मुकाम। राजनीति में तुम्हें अगर चाहिए ऊंचा मुकाम लीडरों के आगे पीछे तुम हिलाना चाहिए। हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक खून कुत्ते का उन्हें लाकर चटाने चाहिए। हाथ पांव ना चले जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक खून कुत्ते का उन्हें लाकर चटाना चाहिए। हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए वरना यारों तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। मुमानी साहिबा मामू इलेक्शन लड़ने वाली हैं। क्या मुमानी साहिबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब उनके सर पे जितने बाल हैं सब झड़ने वाले हैं। मुमानी साहिबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब उनके सर पे जितने बाल हैं सब झड़ने वाले हैं। जो सबको गालियां देते थे अब खामोश बैठे हैं। जो सबको गालियां देते थे अब खामोश बैठे हैं। उन्हें मालूम है शायद के जूते पड़ने वाले हैं।
भवानी साहब मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और क्या है कि ना डैडी याद आते हैं ना मम्मी याद आती है, ना डैडी याद आते हैं ना मम्मी याद आती है, जो सर पे इम्तिहान आता है तो नानी याद आती है, ना डैडी याद आते हैं ना मम्मी याद आती है, जो सर पे इम्तिहान आता है नानी याद आती है। कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, तो नाना जान को अपनी जवानी याद आती है। अरे वो क्या है कि गधे को बाप कहती है ये दुनिया अपने मतलब पर, गधे को बाप कहती है ये दुनिया अपने मतलब पर, इलेक्शन में कहावत ये पुरानी याद आती है। और जब अपना लू पौने दो बजे सब में बिगड़ता है, जब अपना लू पौने दो बजे सब में बिगड़ता है, तो फिर असलम की होटल राजरानी याद आती है। ना डैडी याद आते हैं ना मम्मी याद आती है, जो घर पे इम्तिहान आता बट बट अरे इब्राहिम सागर साहब आ जाइए।